आपके खेतों को मजबूती दिया करते थे, जब आप हल बैल से खेती करते थे, जब आप खिताई करते थे हल बैल से, आपकी मिट्टी खोली हो जाती थी, पाटा जब आप चला रहे थे मिट्टी झुकनी हो जाती, आज पेड़ लगा रहता था उसको खेतों में आप बिखेरते थे, आज पशुपालन से कहने के लिए हम पशुपालन में पूरे देश में नंबर वन, दूध उत्पादन में हम नंबर वन, कितने ऐसे लोग हैं और उनका मलमूत्र मिलता था, आज तो गाय बैल जो पहले खेती होती थी अब तो कलपुर का हमारा पशु अब हमारा पशु आज लाभ गाय गर्भाधान में रहती है, अगर उस गाय की जगह सेवा करते ठीक है। तो मैं सीधे उप कृषि निदेशक परम आदरणीय श्री एस के श्रीवास्तव जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप स्वागत उद्बोधन दें। जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस किसान सम्मान आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिवस है और उसके उपलक्ष में प्रत्येक वर्ष किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है, उसी का ये आज आयोजन था। आज के दिन जो जनपद में कृषि की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसान भाई बहन हैं उनको हमने प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार जो प्राप्त करेगा उसको 7,000 रुपया और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 5,000 रुपया, यह धनराशि DBT के माध्यम से उनके खाते में सीधे अंतरित की जाएगी और इस कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र और शाल देकर जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं भूसी उनके के बीच में आज जिलाधिकारी ने ट्रैक्टर चलाया, तो इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप लोग? ये कम से कम उनके द्वारा हम लोग के लिए हौसला अफजाई का काम हुआ है। बहुत काफ़ी हद तक लोग प्रभावित भी हैं कि एक DM होते हुए भी वो ट्रैक्टर के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं, कम से कम उसको चलाना तो आता है ना। यहाँ तक अधिक लोगों को कम से कम सही से 4-व्हीलर अपनी नहीं ड्राइव करनी आती है, वो भी इतने बड़े श्रेणी के अधिकारी होते हुए भी वो किसानों से इतनी लगाव रखे हैं, इस चीज़ की बहुत बड़ी किसानों का इससे भी सम्मान बढ़ा है। किसानों का सम्मान बढ़ा इससे? जी बहुत बड़ी बात है। हमारी जो माना जाए तो एक तरह से सबसे अहम चीज ट्रैक्टर होती है, अगर ट्रैक्टर ना हो तो हम कोई खेती ना कर पाए, उसी तहत उन्होंने कम से कम उसको चला के हमारे लिए बहुत गौरवशाली बात है कि कम से कम हमारे DM साहब भी हमारे साथ हैं, कहीं जरूरत पड़ जाए तो हमारे साथ भी चल सकते। सतीश जी, क्या था आयोजन और किस अवसर पे ये आयोजन हुआ था, इसके पीछे क्या मकसद था? ये आज यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के दिवस पे किसान सम्मेलन या फिर का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हम लोगों ने तरह तरह से प्रदर्शनी दिखाई थी, नए नए तरीकों की कैसे नई नई आधुनिक खेती होती है, जिसमें मैंने मशरूम की अपनी खेती लगाई हुई थी और इसके द्वारा मुझे आज पुरस्कार भी दिया गया है माननीय विधायक जी के संबंधित में और जिला अधिकारी जी के द्वारा। इसमें आज हम लोगों ने काफ़ी हद तक लोगों को ये बताया गया कि कैसे उन्नत खेती करते हुए भी लोग कम से कम अच्छी आमदनी का स्रोत बना सकते हैं, खेती जो है लोग इससे भागते हैं ना कि इसको कम से कम उन्नत एक अच्छे बिजनेस के रूप में लोग आधुनिक तौर से करें तो अच्छी फायदेमंद है।